नमस्कार, बीएनएन में आपका स्वागत है। मैं हूं मिथिलेश द्विवेदी। तो बड़ी खबर है, लाला नगर टोल प्लाजा को बंद किए जाने को लेकर मुहिम शुरू हो चुकी है और इस मुहिम में शामिल हुए हैं भदोही के सांसद डॉक्टर विनोद बेन, विधायक ज्ञानपुर विपुल दुबे, विधायक औराई दीनानाथ भास्कर और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा। बड़ी बात बता रहे हैं, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि लाला नगर टोल प्लाजा को बंद किए जाने को लेकर बड़ी मांग उठी है। मांग के पीछे का तर्क दिया गया है कि हड़िया से लाला नगर टोल प्लाजा की दूरी महज 30 किलोमीटर है, ऐसे में लाला नगर में टोल प्लाजा स्थापित करने का कोई औचित्य नहीं बनता है। साथ ही जनप्रतिनिधियों ने आरोप लगाया है कि लाला नगर टोल प्लाजा पर अपनी आपराधिक प्रवृत्ति के व्यक्तियों को रखा गया है, जो जनप्रतिनिधियों के साथ साथ आम जनता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें आने जाने नहीं दिया जाता, लोकल के यात्रियों को भी रोका जाता है। आपको बता दें, लाला नगर टोल प्लाजा से वाराणसी टोल प्लाजा के मध्य यात्रा के लिए 260 रुपए का शुल्क निर्धारित है और कुछ ही देर बाद वापसी के बाद भी 260 रुपए लिया जाता है। ऐसा आरोप सांसद, विधायकों और भाजपा जिला अध्यक्ष का भी है। भूतल परिवहन मंत्री, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र भेजा है दोनों विधायक, सांसद और भाजपा जिला अध्यक्ष ने कहा है कि लाला नगर टोल प्लाजा नियम तो अवैधानिक है, इसे बंद किया जाए। तस्वीरों में आप देखिए, ये लाला नगर का टोल प्लाजा है जो हमारे पीछे है और इसी लाला नगर टोल प्लाजा को लेकर इस समय मुहिम शुरू हुई है इसे बंद कराने की दिशा में। और ये लाला नगर का टोल प्लाजा इस समय विवादों में भी घिरा है। पुलिस वेरिफिकेशन की मांग हो रही है कि लाला नगर टोल प्लाजा पे जो कर्मचारी रखे गए हैं वो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, घटनाओं को अंजाम देते हैं, लिहाजा पुलिस वेरिफिकेशन से पहले इन्हें न रखा जाए, इनका सत्यापन कराया जाए। और आपको ये भी बता दें कि लाला नगर टोल प्लाजा ये वही टोल प्लाजा है जिसे भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायकों ने और स्वयं जिलाध्यक्ष ने मानक के विपरीत कहा है। वाकई में जो दूरी निर्धारित है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर टोल प्लाजा होना चाहिए, लेकिन अगर इन दोनों टोल प्लाजाओं की हम बात करें जो हड़िया और लाला नगर का है तो 30 किलोमीटर से कुछ ही अधिक है और इसे बंद करने की दिशा में जो मांग उठी है वो अपने आप में गति पकड़ रही है। फिलहाल पत्र वायरल हो रहा है खूब सोशल मीडिया पर और कुल मिलाकर जिस तरह से ये मामला उठा है उससे यह निश्चित है कि जब यह स्थापित किया गया था तभी से इसका विरोध हो रहा था, लेकिन अब मुहिम शुरू हुआ है तो ऐसा लग रहा है कि यह मुहिम रंग लाने वाली है। भदोही के लाला नगर टोल प्लाजा को लेकर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जानपुर के विधायक विपुल दुबे जुड़ रहे हैं। विपुल दुबे, निर्बल इंडियन शोषित हमारा आम दल निषाद पार्टी के विधायक है। विधायक जी, क्या पूरा मामला है? लाला नगर टोल प्लाजा को बंद कराने के लिए जो आपने भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर, सांसद डॉक्टर विनोद बिंद और भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने पत्र सड़क परिवहन मंत्री को भेजा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है? और आपने जिक्र किया है, चर्चा की है कि आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भी टोल प्लाजा पे लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो क्या पूरा मामला है विधायक जी? धन्यवाद आपके चैनल को और मिथिलेश भाई आपको भी कि आपने जनपद की बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया है। ये टोल प्लाजा हड़िया, ज्ञानपुर, इलाहाबाद और बनारस के बीच जी हंडिया टोल प्लाजा है जी, हंडिया के बाद दूसरा टोल प्लाजा लाला नगर जी, तीसरा टोल प्लाजा जो आ जाता है वो बनारस जिले में डाफी जी, और 100 किलोमीटर के अंदर ये तीन टोल टैक्स की मार पड़ रही है जनता से जी। हम केंद्र की सरकार से जी, केंद्र और प्रदेश में अपनी ही सरकार है जी, और केंद्र की सरकार में देश के यशस्वी केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी, जिनको भारत के विकास पुरुष का दर्जा मिला हुआ है,
भारत में सड़कों के जाल को फैलाने का जिनके ऊपर बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है जी। और जिन्होंने पूरे देश में सड़कों के नेटवर्क के मामले में कीर्तिमान स्थापित किया जी। ऐसे केंद्रीय गृह और सड़क परिवहन मंत्री से हम लोग मांग करते हैं कि ये लाला नगर टोल प्लाजा बीच में से खत्म किया जाए। जब नेशनल हाईवे अथॉरिटी में लगभग मेरे ख्याल से 60 किलोमीटर के आसपास एक टोल प्लाजा से दूसरे टोल प्लाजा की दूरी 60 किलोमीटर होने के जी, बीच में 30 किलोमीटर 25 किलोमीटर पे टोल प्लाजा स्थापित है, इसलिए जनपद के और पूरे देश की जनता के हित में है कि लाला नगर टोल प्लाजा को समाप्त किया जाए जी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी। एक और प्रकरण इसी से जुड़ा सामने आ रहा है कि प्रयाग महाकुंभ को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने कई टोल प्लाजाओं को मुक्त कर दिया है पूरी तरह से, जिसमें वो एक माह के लिए मुक्त है जी। जी उस निर्णय का हम लोग अभिनंदन करते हैं जी, जी। लेकिन हम चाहते हैं कि लाला नगर टोल प्लाजा सदैव के लिए जी, ये हड़िया में जब टोल प्लाजा है जी, तो जस्ट 28 किलोमीटर दूर पे फिर से एक नया टोल प्लाजा है जी, लाला जी, नगर जी। वो रोड पे जो मानक है उस मानक के विपरीत है वो टोल प्लाजा, इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद विधायक जी तमाम जानकारी के लिए जो आपने हम तक पहुंचाई है, हमारे दर्शकों तक पहुंचाई है। हमारी नजर लाला नगर टोल प्लाजा पे लगातार बनी हुई है। लाला नगर टोल प्लाजा को लेकर सड़क परिवहन मंत्रालय का आगामी समय का रुख क्या होता है, उसके पहले आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की जो शिकायत हुई है इस टोल प्लाजा पर क्या कार्रवाई होती है, इस पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। लगातार बने रहेंगे हम इस पूरी खबर पे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।